नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा रस्तोगी और आप देख रहे हैं के न्यूज। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस का। खबर हरदोई के संडीला से है। यहां झाड़ी शाह बाबा की मजार पर उर्स में शामिल होने पहुंचे शिवपाल यादव ने प्रदेश में बदले जा रहे शहरों के नाम को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता और सरकार को ऐतिहासिक शहरों के नाम नहीं बदलने चाहिए। शिवपाल यादव के साथ अपर्णा यादव भी उर्स में शामिल होने पहुंची थी। कन्नौज के सौरिक पहुंचे प्रयागराज से भाजपा के सांसद श्याम चरण गुप्ता, जहां श्यामा चरण गुप्ता ने वैश्य एवं व्यापारी चिंतन महासम्मेलन में शिरकत की। वहीं सांसद के भाषण के दौरान कुछ व्यापारियों ने जब उत्पीड़न की कोई सुनवाई न होने की बात की तो उन्होंने कहा कि आप तो बहुत छोटे हैं, इस सरकार में जब हमारी कोई नहीं सुन रहा तो आपकी कौन सुनेगा। लोकसभा चुनाव के आते ही गन्ने को लेकर सियासत गर्मानी शुरू हो गई है। वहीं मेरठ में रालोद के कार्यकर्ताओं ने गन्ने के बकाया भुगतान और चीनी मिलों को का पेराई सत्र जल्दी शुरू करने की मांग को लेकर मंडलायुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार के गन्ने की फसल का भुगतान जल्द किया जाए। फरुखाबाद में दिन दहाड़े दबंगों ने घर में घुसकर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पिछले 24 घंटे में दो हत्या से फरुखाबाद की पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि दबंगों के आगे पुलिस इतनी बेबस क्यों नजर आ रही है। आपको बता दें कि गांव झांसी में प्रेम प्रसंग के मामले में दबंग ने युवक को गोली मारी है। दबंग युवक के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज है, लेकिन फिर भी पुलिस दबंग को गिरफ्तार नहीं करती है। खबर लखीमपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के शिव कॉलोनी से है, जहां एक युवक को जुए में हुए विवाद के बाद साथियों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं युवक का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। खबर मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है युवक ने जुए पर काफी रुपया जीत लिया था, जिसके बाद जुआरियों से विवाद हो गया और युवक को घर से बुलाकर हत्या कर दी गई। खबर बागपत जिले के एसबीसी शुगर मिल मलकपुर से है, जहां शुगर मिल पर बागपत के किसानों का अभी भी बकाया भुगतान है। तो वहीं शुगर मिल में पेराई शुरू होने पर भी सोसाइटी की तरफ से किसानों को गन्ने की पर्चियां भी नहीं भेजी जा रही हैं, जिससे गुस्साए सैकड़ों किसानों ने बड़ौद बड़ौली रोड पर जाम लगाकर हंगामा किया और किसान जिले के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे और जमकर नारेबाजी की। खबर बरेली से है, जहां नेशनल हाईवे पर फतेहगंज पश्चिमी में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक लग्जरी गाड़ी पकड़ी है। बता दें कार से 20 लाख रुपए बरामद हुए हैं। वहीं नोट कैसे हैं और कहां से आए हैं, जिसकी जांच में पुलिस जुट गई है। पुलिस ने कार सवार व्यापारी के दोनों कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया है। खबर हरदोई के पाली थाना इलाके के रामपुरा खमरिया गांव से है, जहां एक शराबी युवक ने पालतू कुत्ते को गोली मारकर जख्मी कर दिया। बता दें युवक शराब के नशे में जा रहा था तो कुत्ता भौंकने लगा, इसी वजह से वो नाराज हो गया और तमंचे से गोली मार दी। कुत्ते को इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाया गया है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। खबर सीतापुर से है, जहां विधवा माँ और बेटी के साथ दबंगई का मामला सामने आया है। बता दें माँ और बेटी की जमीन और घर पर दबंगों ने कब्जा किया हुआ है। वहीं घर से बाहर तक नहीं निकल पा रही हैं माँ और बेटी, बार बार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं दबंग। शिकायत के बाद भी प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं माँ और बेटी मुख्यमंत्री से भी न्याय की गुहार लगा चुकी हैं। महोली थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव का ये पूरा मामला है। खबर हरदोई के टड़ियावा इलाके से है, जहां पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में घायल बदमाश और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों से पुलिस पूछताछ में लूट समेत कई वारदात किए जाने की बात भी कबूली। दोनों बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस, मोबाइल और चोरी की बाइक बरामद की गई है। स्वाट टीम के हत्थे चढ़े दोनों बदमाशों को जेल भेज दिया गया है। खबर नोएडा के थाना सेक्टर 20 से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच नोएडा सेक्टर 15 में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में सागर नाम के बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें बदमाश पर लूट के 15 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। गैंग के 3 सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पास से कई लैपटॉप, 3 तमंचा, 1 पिस्टल सहित भारी मात्रा में कारतूस बरामद।
खबर मेरठ से है, जहां पुलिस का एक्शन मोड थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं मेरठ में दिन दहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच थाना परतापुर क्षेत्र में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। बता दें, सिविल लाइन्स क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी अधिकारी के घर हुई लूट की घटना में कई दिनों से वांछित चल रहा था बदमाश। फिलहाल घायल बदमाश को मेरठ मेडिकल में भर्ती करा दिया गया है। खबर संभल जिले के बहजोई कोतवाली क्षेत्र से है। यहां पाठकपुर चौकी के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश और एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर एक बदमाश मौके से फरार हो गया। खबर इटावा से है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 रुपए के अंतर जनपदीय गिरोह के 9 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से सेना के 2 हैंड ग्रेनेड, ट्रक से लूटा हुआ माल, 2 हैंड ग्रेनेड, 6 तमंचा, 315 बोर, 1 पोनिया 12 बोर और बड़ी तादाद में जिंदा कारतूस व खोखा बरामद किए गए हैं। खबर मुरादाबाद से है, जहां थाना कांड पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक 10,000 बदमाश को गिरफ्तार किया है। बता दें, बदमाश ने कांड थाना क्षेत्र निवासी एक युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। बदमाश को पुलिस ने रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। एसपी देहात ने बताया कि बदमाश बहुत ही शातिर है, घर की कुर्की होने के बाद भी हाजिर नहीं हुआ था। खबर मेरठ से है, जहां एक छात्रा ने युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि शादी का झांसा देकर युवक ने दुष्कर्म किया। जब युवक से शादी की बात कही तो आरोपी ने साफ इनकार कर दिया और फोटो को वायरल करने की धमकी देता रहा। युवक से परेशान होकर पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। हमीरपुर जिले में रोजाना हो रही हत्या की वारदातों से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल मामला जिले के मझगवा थाना क्षेत्र के हांडा गांव का है, जहां फिर एक युवक का शव नहर में मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें, युवक घर से गांव में मेला देखने के लिए अपने दोस्त के साथ निकला था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर ताज नगरी आगरा से है, जहां लाल किला इमारत के पास तेंदुआ मिलने से अफरा तफरी मच गई। वहीं राहगीरों ने तेंदुए को सड़क किनारे बैठा देखकर पुलिस को सूचना दी है। वहीं पुलिस ने भी वन विभाग और वाइल्डलाइफ एसओएस टीम को सूचना दे दी है। बताया जा रहा है कि पहले भी तेंदुए ने कई घटनाओं को अंजाम दिया है। मिलिट्री एरिया से कई पालतू जानवरों को अपना शिकार बनाया है। खबर फरुखाबाद जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां रंजिश के चलते कुछ लोगों ने देर रात स्कूटी सवार युवक के साथ लूटपाट की। जैसे ही युवक ने भागने की कोशिश की तो आरोपियों ने उसे गोली मार दी। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने पीड़ित के परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है। संत कबीर नगर जिले के धनघटा थाना क्षेत्र के कुआना नदी में के किनारे मासूम बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मासूम के गले पर मिले चोट के निशान से हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर हमीरपुर जिले के मौदहा कोतवाली के गांव फतेहपुरवा से है, जहां आदमखोर तेंदुआ लोगों के लिए आफत बना हुआ है। ये तेंदुआ अब तक 7 लोगों को घायल कर चुका है। तेंदुए को पकड़ने के लिए 3 जिलों के वन विभाग कर्मी और जिला प्रशासन सक्रिय है, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रशासन की कोई सफलता नहीं मिल रही है। मजबूरी में जिला प्रशासनिक अधिकारी तेंदुए के पदचिन्हों के आधार पर ग्रामीणों को सावधान रहने की अपील कर रहे हैं। खबर अमेठी से है, जहां बस ने बाइक सवार को रौंद दिया। वहीं हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें, स्कूल की बस और बाइक की भिड़ंत हो गई, वहीं एक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के बारिका पुरवा में यह हादसा हुआ है। फतेहपुर के औंग थाना क्षेत्र के औद्योगिक इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब फैक्ट्री में आग से करीब 1 दर्जन मजदूर बुरी तरह झुलस गए, जिसमें 7 की हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें, खली से तेल निकालते वक्त तेल का रिसाव हो गया, जिसके चलते पास की बिल्डिंग से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने काम कर रहे करीब 1.5 दर्जन मजदूरों को अपनी चपेट में ले लिया।
अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। खबर कानपुर देहात से है, जहां राजपुर थाना क्षेत्र के जैनपुर गांव में एक कार में अचानक आग लग गई। आग लगते ही कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं बीच सड़क पर घंटों धू धू कर जलती रही कार। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें, शाहजहांपुर से दिल्ली जाते समय यह हादसा हुआ। खबर सुल्तानपुर के कादीपुर की है, जहां अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी पर फायरिंग कर दिया। घायल व्यापारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई बदमाशों की हलचल के मौजूद पुलिस आरोपी को पकड़ने में नाकाम है, जिसके चलते व्यापारी अपनी अपनी दुकान बंद कर धरने पर बैठ गए हैं। हॉकी जादूगर मेजर ध्यानचंद की कर्मस्थली झांसी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी पर हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों से हॉकी टीम झांसी पहुंची। प्रतियोगिता का शुभारंभ जिलाधिकारी झांसी शिव सहाय अवस्थी ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर किया। बता दें, 6 दिवसीय प्रतियोगिता में 28 मैच खेले जाएंगे। 17 नवम्बर को फाइनल मैच खेला जाएगा। मिर्जापुर पुलिस ने गामा देवी हत्याकांड का खुलासा किया है। बता दें, आरोपी मृतका के रिश्ते में भतीजा लगता है। बताया जा रहा है, आरोपी और मृतका के बीच संबंध था। शक के चलते आरोपी ने बरकछा पहाड़ी पर ले जाकर साड़ी से गला घोटकर उसकी हत्या कर शव को वहीं फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपी को जेल भेज दिया है। कानपुर के गोविंद नगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दिवाली पर हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, गोविंद नगर थाना क्षेत्र के संजय नगर में दिवाली के दिन एक युवक ने 3 लोगों पर कई वार कर दिए। घटना में एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं पुलिस ने घटना के आरोपी को शास्त्री चौक से गिरफ्तार किया है। दो साल पहले केंद्र सरकार द्वारा की गई नोटबंदी पर आज भी विपक्षी दल बेहद नाराज है। वहीं प्रदेश में नोटबंदी के 2 साल पूर्ण होने पर कांग्रेसियों ने इसे काले कानून के रूप में मानते हुए इसकी दूसरी पुण्यतिथि मनाई। तो वहीं कानपुर शहर में भी कांग्रेसी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरी और तिलक हॉल से लेकर फूलबाग स्थित रिजर्व बैंक तक काली पट्टी बांधकर पैदल मार्च निकाला। मोदी सरकार ने 2 साल पहले 8 नवंबर को लिए गए नोटबंदी के फैसले से नाराज कांग्रेसियों ने विरोध किया। कांग्रेस कमेटी से सैकड़ों की संख्या में शहर के प्रमुख मार्गों पर विरोध प्रदर्शन किया गया और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और नोटबंदी के विरोध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। खबर रामपुर जिले से है, जहां लगातार फैक्ट्रियों द्वारा फैल रहे प्रदूषण से कई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं और खेतों पर भी इसका असर हो रहा है। वहीं इससे नाराज होकर किसानों ने अम्बेडकर पार्क में फैक्ट्रियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जिला कलेक्ट्रेट पर डीएम को शिकायत पत्र संबंधित ज्ञापन सौंपा। वहीं किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द उन्होंने प्रदूषण फैलाने पर रोक नहीं लगाई तो किसान फैक्ट्रियों पर तालाबंदी करेंगे। 8 साल के मासूम की रेप के बाद हत्या, कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ नहीं लग रहे हैं हत्यारे। हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने से परिजनों सहित लोगों में पुलिस के प्रति भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों के साथ नागरिक एकता पार्टी के नेता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। 28 अक्टूबर को रेप के बाद मासूम की हत्या की गई थी। खबर हाथरस के लाडपुर क्षेत्र के सूजिया गांव से है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेतों में निकला 6 फुट का अजगर सांप। अजगर निकलते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कई घंटों के बाद अजगर को पकड़ा। जहां एक ओर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रदेश की योगी सरकार सख्त कदम उठा रही है, वहीं दूसरी ओर महोबा जिले में गुंडों के आतंक से एक 5 सदस्यीय महिला परिवार परेशान है। दरअसल पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है, जहां महिला ने आरोप लगाया है कि गांव के दबंग उसे और उसकी बेटियों के साथ अश्लील बातें और कमेंट्स और छेड़छाड़ करते हैं। वहीं पीड़िता ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। खबर गाजियाबाद से है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोनी में बन रहे मकानों का निरीक्षण करने पहुंची आबकारी एवं वन पर्यावरण विभाग सचिव कल्पना, जहां उन्होंने आवास विकास के बन रहे मकानों का जायजा लिया एवं बिजली पानी आदि की सुविधाओं के बारे में अधिकारियों से बातचीत की और कहा कि जल्द से जल्द आवंटियों को मकान आवंटित कर उन्हें कब्जा दिया जाए।
खबर चित्रकूट से है, जहां ट्रैफिक पुलिस ने एक अनोखा है। वहीं पुलिस ने बिना हेलमेट बाइक ड्राइव कर रहे चालकों को गुलाब का फूल देकर हेलमेट लगाने की नसीहत दी है। बता दें, यातायात नवंबर माह के अवसर पर ट्रैफिक पुलिस सड़क सुरक्षा को लेकर जन जागरूकता अभियान चला रही है। ड्राइव कर रहे लोगों से अपील करते हुए कहा गया है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और सुरक्षित चलें। खबर आगरा से है, जहां शमशाबाद क्षेत्र में ओवरलोड दौड़ रहे वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस और आरटीओ विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया। वहीं अभियान चलाकर 3 बालू से भरे हैवी ओवरलोडेड वाहनों को सीज किया गया। आरटीओ पुलिस और थाना पुलिस के द्वारा ओवरलोड वाहनों पर ये शिकंजे कसे गए हैं। वहीं इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। खबर इत्र नगरी कन्नौज से है, जहां सपा नेताओं ने जल समाधि लेकर प्रदर्शन किया है। बता दें, छठ पर्व के अवसर पर गंगा नदी किनारे बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। इसको लेकर जब सपा कार्यकर्ता गंगा नदी किनारे सफाई करने पहुंचे तो वहां गंदगी का अंबार लगा हुआ था। गंदगी देख सपा के नेताओं ने गंगा किनारे सफाई शुरू की और फिर सरकार द्वारा गंगा सफाई के नाम पर खर्च किए गए 20,000 करोड़ का हिसाब मांगा। राजधानी लखनऊ में होगी 41वीं यूपी स्टेट चैंपियनशिप। बता दें, ये फैसला दिल्ली में हुई एसोसिएशन की बोर्ड मीटिंग में लिया गया। हालांकि सरकार की उदासीनता के चलते लखनऊ के शूटिंग रेंज की हालत खस्ता है और शूटर परेशान हैं। बता दें, लंबे वक्त से कानपुर रोड स्थित नादरगंज में शूटिंग रेंज का निर्माण अभी तक सुविधायुक्त नहीं बनाया जा सका है। आगामी 17 से 23 दिसंबर के बीच चैंपियनशिप होगी। अब बात करते हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस की। नगर निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव प्रचार के मद्देनजर 16 नवंबर तक प्रदेश के तूफानी दौरे पर रहेंगे। इसी कड़ी में सीएम त्रिवेंद्र प्रचार प्रसार के लिए कोटद्वार पहुंचे और दुर्गापुर में जनसभा को संबोधित किया, साथ ही कांग्रेस पर कटाक्ष भी किए। प्रदेश के 3 नगर निकाय क्षेत्रों देहरादून, ऋषिकेश और डोईवाला में बिहार और पूर्वी यूपी से आकर बसी आबादी को लुभाने दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद मनोज तिवारी आ रहे हैं। बता दें, नगर निकाय चुनाव प्रचार के लिए उनका 14 नवंबर को एक दिवसीय दौरा होगा। दीपावली के बाद भाजपा ने निकाय चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है। प्रचार को रफ्तार देने के लिए पार्टी प्रवासी मतदाताओं को जोड़ने की रणनीति में जुट गई है। नगर निकाय चुनाव में बगावत करने वालों पर भाजपा का रुख बेहद सख्त बना हुआ है। वहीं भाजपा ने 2 और नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। दोनों नेताओं पर नगर पालिका चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप है। दूसरी ओर सपा ने भी बागी पार्टी नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। पार्टी के 3 नेताओं को 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। डंडौरा नगर पंचायत चुनाव के चलते उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में डंडौरा में एक रोड शो किया, जिसमें भारी जनसैलाब देखने को मिला है। सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए गए। कुछ देर बाद रोड शो कार्यक्रम स्थल पर खत्म हुआ, जहां पर हरीश ने लोगों को संबोधित किया। नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है। वहीं इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह सहित कांग्रेस के अन्य नेता मौजूद रहे। इसके साथ ही मीटू पर भाजपा महामंत्री संगठन से जुड़े मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। निकाय चुनाव के दौरान कांग्रेस अब अनुशासन का डंडा जमकर चला रही है। वहीं पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त 8 और लोगों पर कांग्रेस ने कार्रवाई की। इन सभी को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। आपको बता दें, अब तक कांग्रेस पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त 64 लोगों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर चुकी है। प्रदेश के एकमात्र एनआईटी में अपनी मांगों को लेकर कक्षाओं और दशहरे की छुट्टियों के 19 दिनों के बहिष्कार के बाद भी छात्र छात्राएं आखिरकार दीपावली के अवकाश के बाद भी संस्थान नहीं लौटे हैं। एनआईटी प्रबंधन को उम्मीद थी कि छात्र छात्राएं छुट्टियों से लौटकर कक्षाओं में शामिल होंगे, लेकिन छात्र छात्राओं ने मांगों पर निर्णय होने तक वापस नहीं लौटने का निर्णय लेकर एनआईटी प्रशासन को झटका दे दिया है।
केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश को खुले में शौच मुक्त करने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड देश का चौथा राज्य है जिसने खुद को ODF राज्य घोषित किया, लेकिन ताजा सर्वे में पता चला है कि राज्य में अभी 84,000 घरों में शौचालय नहीं है। सरकारी दस्तावेजों में उत्तरकाशी जिले को साल 2016 में ही ODF घोषित कर दिया गया था, लेकिन उत्तरकाशी जिले में अभी भी करीब 6500 से ज्यादा घरों में शौचालय नहीं है। ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ विराजमान हो गए हैं। अभी 6 माह भगवान केदारनाथ की पूजा अर्चना यहीं की जाएगी। भैया दूज के पर्व पर भगवान केदारनाथ के कपाट बंद हुए थे और बाबा की पंचमुखी डोली हजारों भक्तों के साथ केदारपुरी से निकलकर अपने प्रथम पड़ाव रामपुर पहुंची थी। यहां हजारों भक्तों ने भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। इसके बाद भगवान केदार की डोली दूसरे पड़ाव काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची। इसके बाद परंपरा अनुसार एक दिवसीय मेला आयोजित किया गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से टार और निकोटीन को लेकर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि वो 6 माह के भीतर विचार कर ये बताए कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 7 की उपधारा 5 के प्रावधान को लागू किया जा सकता है या नहीं। बता दें कि अधिनियम की इस उपधारा के तहत सिगरेट के प्रत्येक पैकेट पर निकोटीन एवं टार की मात्रा का उल्लेख करने का प्रावधान है। NH-74 भूमि मुआवजा घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद MD प्रिया शर्मा को नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ से जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने प्रिया शर्मा को बगैर जांच अधिकारी की अनुमति के नैनीताल से बाहर न जाने के आदेश भी जारी किए हैं। वहीं 18 किसानों के खिलाफ SIT ने कोर्ट से गैर जमानती वारंट भी लिया है। राजधानी दून में फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का माल जलकर खाक होने की आशंका है। दुर्घटना कोतवाली क्षेत्र के धामवाला इलाके की है। जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल कर्मी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा सके। वहीं पुलिस के मुताबिक संकरी गलियों और गलत तरीके से सड़क पर की गई पार्किंग की वजह से फायर कर्मियों को दुर्घटना स्थल तक पहुँचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कोशिशें रंग लाई तो हिमालयी राज्य उत्तराखंड की चाय को उसका स्वर्णिम दौर फिर से हासिल हो सकेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने चाय की खेती को विशेष तवज्जो देने के साथ ही यहां की चाय को ब्रांड के रूप में स्थापित करने का निश्चय किया है। वहीं इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि सरकार उपनल कर्मचारियों को 1 साल के भीतर नियमावली के अनुसार नियमित करने और उन्हें न्यूनतम वेतन देने के आदेश पारित करे। साथ ही कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं कि वो कर्मचारियों को दिए जाने वाले एरियर से GST या सर्विस टैक्स की कटौती न करें। बता दें कि कुंदन सिंह नेगी ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर उपनल द्वारा की जा रही नियुक्तियों पर रोक लगाने की मांग की थी। लगातार मिल रही अवैध खनन की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी दीपक रावत ने स्टोन क्रशरों पर छापेमारी की। दिन भर चली छापेमारी की कार्रवाई में जिलाधिकारी ने 9 स्टोन क्रशरों को सीज कर दिया। जिलाधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई के बाद स्टोन क्रशर संचालकों में हड़कंप की स्थिति बनी रही। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए K News।